हेलो स्टूडेंट्स, आज तुम लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी पॉलीगन का एरिया शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं। किसी भी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन होगा, हम सबका एरिया शॉर्टकट में निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मेरे पास पैरेललोग्राम होता था या मेरे पास पेंटागन होता था तो उसको हम क्या करते थे, ट्रायंगल में डिवाइड करते थे। जैसे अगर मेरे पास पैरेललोग्राम है या कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसको दो ट्रायंगल बनाते थे, फिर ट्रायंगल के मदद से हम क्या निकालते थे, एरिया। एरिया निकालने के बाद दोनों को क्या करते थे, जोड़ देते थे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मेरे ही चैनल पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि किसी भी पॉलीगन का एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे हम तुरंत निकालते हैं, सिंपली थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके। जैसे अब गौर करें, एरिया ऑफ ए पॉलीगन का एकदम आप एक मिनट के अंदर आंसर कर सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हैं तो। जैसे गौर करें, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम या एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, हालांकि दिख रहा है ये पैरेललोग्राम, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है। हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, जहां पे ए का वर्टेक्स दिया हुआ है x1, y1, x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3, और डी का कोऑर्डिनेट है यहां पे x4, y4। ध्यान दे, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया निकालना है। मैक्सिमम लोग यहां पे एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको एक ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे कितना ट्रायंगल बना, दो ट्रायंगल, तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, हमको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मिल जाता है। लेकिन अगर हम यहां पे एक बहुत अच्छा मेथड बताने जा रहे हैं जिसके मदद से आप एरिया ऑफ पॉलीगन तुरंत निकाल सकते हैं, तुरंत। देखिए तरीका क्या है, थोड़ा इस फॉर्मूला को पहचाने, इस पैटर्न को पहचाने कि यह किस पैटर्न में लिखा गया। हम सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिए, क्या लिए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसको मल्टीप्लाई किए इसके वाई कोऑर्डिनेट से। तो देखिए x1 y2, ध्यान दे इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिए, नेक्स्ट वाले का वाई कोऑर्डिनेट, इसका काम खत्म। अब इस पे आएंगे, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, नेक्स्ट वाले का वाई कोऑर्डिनेट, तो देखिए x2 y3, अब इसका काम खत्म। अब हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, देखिए x3 y4, यहां पे देख सकते हैं x3 y4, फिर यहां का x कोऑर्डिनेट लेंगे और यहां का y कोऑर्डिनेट x4 y1। तो जहां से शुरू किए थे वहां पे जाके रुक गए, मतलब x का काम खत्म। मतलब हमको क्या करना है, a का x कोऑर्डिनेट इंटू b का y कोऑर्डिनेट, फिर b का x कोऑर्डिनेट इंटू c का y कोऑर्डिनेट, फिर c का x कोऑर्डिनेट इंटू d का y कोऑर्डिनेट, फिर d का x कोऑर्डिनेट इंटू a का y कोऑर्डिनेट। एक का x, नेक्स्ट वाले का y, फिर x, नेक्स्ट का y, फिर x, नेक्स्ट का y, फिर x, नेक्स्ट का y। a से शुरू किए तो a पे ही समाप्त करेंगे, a से शुरू किए तो a पे ही क्या करेंगे, समाप्त। फिर दिए माइनस, अभी हम क्या कर रहे थे, पहले का x ले रहे थे, दूसरे का y, अब उल्टा, अब पहले का y लो और दूसरे का x, y1 x2, फिर नेक्स्ट जाएंगे तो इसका y लेंगे और इसका x, y2 x3, फिर नेक्स्ट जाएंगे तो इसका y लेंगे, इसका x, y3 x4, फिर इसका y लेंगे और इसका x, y4 x1। ध्यान दे, पहले हम क्या किए, a का x लिए, b का y, फिर प्लस b का x लिए, c का y, प्लस फिर c का x लिए, d का y, प्लस फिर d का x लिए, a का y, x का काम खत्म। अब सेम चीज रिपीट करेंगे वाई के लिए, माइनस, अब पहले का वाई लेंगे और बी का एक्स लेंगे, फिर बी का वाई लेंगे, सी का एक्स लेंगे, प्लस फिर सी का वाई लेंगे, डी का एक्स लेंगे, प्लस फिर डी का वाई लेंगे, ए का एक्स लेंगे, प्लस ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, बीच में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और पूरे को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, पूरे को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, जो आपका आएगा वो एरिया ऑफ पॉलीगन होगा, यहां पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर आपके पास कोई पेंटागन हो गया, ध्यान दे ये हो गया पेंटागन, इसका कोऑर्डिनेट है मानिए x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3, इसका कोऑर्डिनेट x4 y4, और इसका कोऑर्डिनेट x5 y5। कैसे निकालेंगे, इसका x इंटू इसका y,
तो इसका x इंटू इसका y, तो यहां पे हम लिख रहे हैं तो क्या बनेगा x1 y2। अब आगे बढ़ो फिर, अब इसका x इसका y तो क्या बनेगा x2 y3 प्लस, आगे बढ़ो इसका x इसका y तो क्या आ जाएगा x3 y4 प्लस, अब इसका x इसका y क्या आ जाएगा x4 y5 प्लस, इसका x इसका y क्या आ जाएगा x5 y1। जहां से शुरू किए थे वहां पे जाके रुक गए, इसको एक ब्रैकेट में रखे, फिर बाहर में क्या आएगा माइनस। अब यही काम y के लिए, इसका y इसका x तो ये क्या आ जाएगा y1 x2, फिर इसका y इसका x ये क्या आ जाएगा y2 x3, फिर क्या आएगा y4 सॉरी y3, यहां पे क्या आ जाएगा आपका y3 x4, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा y4 y4 x5, फिर प्लस क्या आएगा y5 x1, ये निकल गया। अब पूरे को हम किससे डिवाइड करेंगे 1 बाई टू से, ये आपका क्या दे जाएगा एरिया ऑफ पेंटागन। आपको यहां पे क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा पैटर्न को, अगर आप दो तीन बार प्रैक्टिस जहां कर लिए आप पैटर्न को आसानी से पकड़ लेंगे, और पैटर्न को अगर आप पकड़ लिए तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। जैसे हम वो इसका एरिया निकालना, आप देखिए कितना क्विक हम निकाल लेंगे एरिया, बाहर में वन बाई टू की है, अब इसका एक्स और इसका वाई तो क्या आ जाएगा वन इंटू फोर, फोर आया बीच में प्लस, अब क्या करेंगे इसका एक्स और इसका वाई तो ये थ्री इंटू वन क्या आ जाएगा थ्री प्लस, अब क्या करेंगे इसका एक्स और इसका वाई तो जीरो इंटू टू क्या आ जाएगा जीरो प्लस, फिर इसका एक्स और इसका वाई ये क्या आ जाएगा माइनस वन इंटू टू इज वॉट माइनस टू, तो ये आपका बन गया माइनस टू। ये हो गया आपका किसका काम, x का काम, एकदम आराम से इसका x इसका y 1 इंटू फोर फोर, फिर इसका x इसका y 3 इंटू वन थ्री, फिर इसका x इसका y 0 इंटू टू जीरो, फिर इसका x इसका y माइनस टू। अब यहां पे दिए क्या फॉर्मूला, अब सेम चीज रिपीट करेंगे किसके लिए y के लिए, अब हम क्या करें इसका y और इसका x तो 2 इंटू थ्री सिक्स, फिर इसका y इसका x तो 4 इंटू जीरो जीरो, फिर इसका y और इसका x तो देखिए यहां वन है, यहां वन है और यहां माइनस वन है, तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस वन बन जाएगा, तो यहां पे हम दे दिया माइनस वन। अब क्या करेंगे इसका y और इसका x टू इंटू वन क्या आ गया आपके पास टू आ गया। अब यहां से कैलकुलेशन करें, देखें यहां पे क्या किए इस ब्रैकेट में, इसका y इसका x टू इंटू थ्री सिक्स, फिर इसका y इसका x फोर इंटू जीरो जीरो, फिर इसका y इसका x तो 1 इंटू माइनस वन माइनस वन, फिर इसका y और इसका x 2। अब जोड़ घटाओ करें, ये मेरे पास 2 आया, यहां पे देखिए 4 7 माइनस 2 5 आ गया, और इधर से आप देख सकते हैं 6 प्लस 2 7 7 माइनस 1 सॉरी 6 प्लस 2 6 8 8 माइनस 1 7 और बाहर में माइनस है तो माइनस 7, तो ये कितना आ रहा है माइनस 2 बाई 2 इज माइनस 1, चूंकि एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए इसमें मॉड डालेंगे और एरिया क्या हो जाएगा 1। तो ये मेथड से आप बहुत आसानी से एरिया ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का एरिया हम निकाल सकते हैं, बस ये याद करें कि जहां से शुरू किए हैं वहीं पर समाप्त करेंगे। जैसे यहां पर हम शुरू कहां से किए थे, पहले इस वाले में देखें, यहां से शुरू किए थे तो गौर करें यहां समाप्त भी कहां पे हुआ है, लास्ट में जाके माइनस वन इंटू टू पे जाके समाप्त हुआ। तो इस फॉर्मूला से आप चार पांच प्रॉब्लम बना लें, चार पांच प्रॉब्लम जब आप बना लेंगे तो आप देखेंगे कि इस फॉर्मूला से आप बहुत जल्दी 25-30 सेकेंड के अंदर आप किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल पा रहे हैं, मैक्सिमम 30 सेकेंड के अंदर आप आसानी से पॉलीगन का एरिया निकालें, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करें कि वो पैटर्न पूरी तरह से आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, हम इस चैनल पे इसी तरह का बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक डालते रहेंगे जिसमें स्टूडेंट को जनरली प्रॉब्लम होता है, ऑलमोस्ट हम हर एक टॉपिक को डालने का कोशिश करेंगे जिसमें स्टूडेंट को दिक्कत होता है, और बहुत सारा शॉर्टकट बताएंगे जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं स्कूल एग्जामिनेशन में भी और जेई एग्जामिनेशन में भी, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में भी, हर तरह के एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।